गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। देखिए, स्टमक का एक डायग्राम हम लोग देखते हैं। स्टमक के डायग्राम में देखेंगे तो देखिए, जो हमारा स्टमक होता है वो तीन पार्ट में बटा हुआ होता है। दैट इज द नोन एज द कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। कार्डियक पार्ट में हमारा इसोफेगस ओपन होता है, और इसोफेगस में आपने पॉइंट पढ़ा था कि इसोफेगस जहां स्टमक से जुड़ता है यहां पर एक इंस्पेक्टर पाया जाता है, दैट इज नोन एज द गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर या इसी को कार्डियक इंस्फिंक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज ये कार्डियक रीजन में ओपन होता है स्टमक के, इसलिए इसको हम बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर। ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, मेनली जो हमारा एम्प्टी स्टमक होता है वो जे शेप्ड का होता है, एंड स्टमक जो होता है ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, क्योंकि ये फूड को स्टोर करता है एंड प्राइमरी रिजर्वायर फॉर द फूड स्टोरेज कहलाता है। ये फूड के स्टोरेज के लिए प्राइमरी रिजर्वायर होता है। तो लास्ट पार्ट होता है स्टमक का पाइलोरिक, कार्डियक पार्ट जहाँ पे इसोफेगस ओपन होता है। सेकेंड है फंडिक, मेनली यहाँ पे गैसेस एक्युमुलेट होते हैं। लास्ट पार्ट होता है पाइलोरिक, दैट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज डिओडिनम, इससे ये जुड़ा हुआ होता है। देखेंगे स्टमक के बारे में पॉइंट। द जे शेप्ड स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो स्टमक की पोजीशन जो होती है वो अपर लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी होती है। इट हैज फोर मेन पार्ट्स, दैट इज कार्डियक, फंडिस एंड मेन बॉडी एंड पाइलोरिक पोर्शन। तो देखिए, कुछ बुक में यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं, कुछ में जो है ये आपके पार्ट्स जो हैं वो फोर कर दिए जाते हैं। तो यहाँ देख लेंगे, ये कार्डियक, दैट इज द फंडिक, एंड वन इज द मेन पार्ट, मेन पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली फोर पार्ट आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो आप फोर ही पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द कार्डियक, सेकंड इज द फंडिक, थर्ड इज मेन पार्ट, एंड फोर्थ इज पाइलोरिक। द वॉल ऑफ स्टमक हैज थ्री लेयर ऑफ मसल्स, द आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, मिडिल सर्कुलर लेयर, एंड इनर मोस्ट ऑब्लिक लेयर। तो
यहाँ पे सिर्फ ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक ऑब्लिक लेयर पाया जाता है स्टमक में, क्या होता है, एक ऑब्लिक लेयर पाया जाता है। बाकी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, इसको हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल में। म्यूकोसा ऑफ द स्टमक फॉर्म द लार्ज इररेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड द रगे। स्टमक के अंदर जो खाली स्पेस होता है ये हाईली फोल्डेड होता है, इस तरीके से। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रगे, जैसा कि हार्ड पैलेट में भी पाया गया था। ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। स्टमक लीड इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक ओपन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड ओपनिंग ऑफ द स्टमक इन टू डिओडिनम इज गार्डेड बाई अ पाइलोरिक इंस्पेक्टर। जहां पर स्टमक जो आपका डिओडिनम पार्ट से जुड़ता है वहां पर भी एक इंस्पेक्टर पाया जाता है, दैट इज नोन एज द पाइलोरिक इंस्पेक्टर। पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोलते हैं इसको। जब आपका स्टमक जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है तो वहां पे पाइलोरिक इंस्पेक्टर पाया जाता है। दैट इज द डायग्राम ऑफ स्टमक, एंड ऑल पॉइंट जो है वो कवर्ड हो गए। नेक्स्ट चलिए अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है आपका थ्री पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज डियोडिनम। स्मॉलेस्ट पार्ट होता है यू शेप्ड और सी शेप्ड बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। देन है जेजुनम, लास्ट पार्ट होता है इलियम। इलियम रीजन में क्या होता है, कुछ लिम्फ नोड पाए जाते हैं, लार्ज साइज लिम्फ नोड पाए जाते हैं जिनको हम पेयर्स पैचेज बोलते हैं। ये पैथोजन को ट्रैप करते हैं, किल कर देते हैं। और जहां पे जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि सीकम से जुड़ता है, और जहां पे सीकम से ये जुड़ता है वहां पे एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इलियो सीकल वाल्व। और इसी सीकम से एक छोटा सा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये मेनली लिम्फाइड स्ट्रक्चर होता है जो कि वेस्टिजियल है, वेस्टिजियल होता है।
बेसिकली ये पुट्रिफेक्शन ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है, यानी इस खाने को सड़ने से रोकता है। तो देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डियोडिनम इज 12 इंच, दैट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज यू और सी सेव्ड एंड रिसीव द हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इसी यू सेव्ड डियोडिनम में ही हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट आकर ओपन होता है, यानी हिपैटा यानी लीवर से जो बाइल आता है और पैंक्रियाटिक ग्लैंड से जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज किया जाता है। देखेंगे जो यू शेप्ड का डियोडिनम होता है, इसी के बीच में पैंक्रियाज पाया जाता है। तो पैंक्रियाज भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। पैंक्रियाज लाइज बिटवीन द टू लिंब ऑफ डियोडिनम, यानी कि यू सेव्ड डियोडिनम के बीच में ही पैंक्रियाज की पोजीशन होती है। जेजुनम इज 7.5 फिट लॉन्ग एंड इट अ क्वाइल्ड पार्ट। तो डियोडिनम जो होता है यू और सी सेव्ड, जेजुनम और इलियम जो होते हैं ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो जेजुनम जो होता है ये क्वाइल्ड पार्ट होता है, इलियम इज हाईली क्वाइल्ड एंड 10.5 फिट लॉन्ग एंड इट इज द लॉन्गेस्ट एंड हाईली कॉइल्ड रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है इलियम। द वॉल ऑफ इलियम हैज पेयर्स पैचेज विच प्रोड्यूसेस द लिम्फोसाइट्स। तो इसके वॉल में पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लीड इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। एंड सब म्यूकोसा ऑफ द डियोडिनम कंटेन्स द ब्रूनर्स ग्लैंड विच सिक्रेट द म्यूकस। स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम रीजन में ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है, जो कि म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है, म्यूकस सिक्रेट करता है जस्ट टू लुब्रिकेट द पैसेज एंड अडहेयर द डाइजेस्टेड पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, देन हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं।
जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये भी तीन पार्ट में ही बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं सीकम, कोलन एंड रेक्टम। बट कोलन जो होता है वो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन में बटा हुआ होता है। तो इसके तीनों की लेवलिंग मैंने दो नंबर से की है। दैट मीन्स असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन होता है लास्ट में। तो इन सब, ये पूरा कोलन ही होता है। तो कोलन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके अलावा देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में तीन लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स और लेटरल पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। थ्री लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ कोलन। ये थ्री लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जो पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं टीनिया। टीनिया दैट इज द थ्री लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं जो कोलन के लंबाई, पूरे लंबाई में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो साइड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं हॉस्ट्रा। ये लेटरल पाउच होते हैं, लेटरल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो टीनिया एंड हॉस्ट्रा आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोलन। इसके अलावा देखेंगे जो ट्रांसवर्स कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन में कुछ इररेगुलर फैट का डिपोजिशन हो जाता है। इस इरेगुलर फैट डिपोजिशन को हम एपिप्लोइक अपेंडेजेज बोलते हैं। एपिप्लोइक अपेंडेजेज बोलते हैं, ये इरेगुलर फैट डिपोजिशन होता है। इरेगुलर फैट डिपोजिशन होता है, जो यहाँ पे फैट इरेगुलरली जो होता है ये डिपॉजिट हो जाता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का। इसके पार्ट होते हैं सीकम, कोलन एंड रेक्टम। देखिएगा ये इसके पार्ट हो गए सीकम, कोलन एंड रेक्टम। कोलन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, सीकम इज द स्मॉलेस्ट। सीकम में जो है इलियम आकर के ओपन होता है। यहीं सीकम से जुड़ा हुआ एक छोटा सा स्मॉल वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, जो कि एक लिम्फाइड ऑर्गेन होता है। बट प्रेजेंट टाइम में ये वेस्टिजियल कंसिडर किया जाता है। ये वेस्टिजियल ऑर्गेन होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो ये डायग्राम आप सभी लोग ड्रॉ कर लेंगे। आइए थियोरी की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में।
लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर जो होता है वो कम होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो लेंथ में छोटा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी होती है। इट इज 5 फीट लॉन्ग एंड 2.5 इंचेज इन डायमीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लंबाई होता है वो 5 फीट होती है, 5 फीट होता है, और इसका जो डायमीटर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो 2.5 इंचेज होता है। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच हैज सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज। तो सीकम जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है, इस रीजन में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई, इसर्चिया कोलाई बोलते हैं। अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सीकम इज कॉल्ड द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, 3 इंचेज इन द लेंथ। तो यहीं से एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर अराइज होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गेन होता है। ये लिम्फाइड ऑर्गेन होता है, वेस्टिजियल इसलिए क्योंकि पहले ये पुट्रिफेक्शन ऑफ फूड को प्रिवेंट करता था, यानी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था उसको सड़ने से बचाता था, बट प्रेजेंट टाइम में ये वेस्टिजियल होता है ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट देखेंगे सीकम ओपन्स इनटू द कोलन। सीकम जो है वो कोलन में ओपन होता है। कोलन इज 5 फीट एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एज असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट। एक और होता है इसका, 3 की जगह 4 कर सकते हैं, सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड कोलन, और यहाँ 3 की जगह 4 कर सकते हैं, 4 पार्ट होते हैं कोलन के, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कोलन पासेस इन द रेक्टम दैट ओपन्स इनटू द एनल कैनाल। डिसेंडिंग कोलन जो होता है ये रेक्टम में ओपन होता है और रेक्टम फर्दर जो है आपका वो एनल कैनाल में ओपन होता है। देखिए ये रेक्टम है, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है ये यहीं पर आता है रेक्टम में, और रेक्टम से जाता है एनल कैनाल, और एनल कैनाल से देन जो ओपनिंग होती है उसको मेनस बोलते हैं। एनल कैनाल ओपन्स द आउटसाइड बाय द एनस विच इज गार्डेड बाय द एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर दैट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल एंड इंटरनल एनल इंस्फिंक्टर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। अब देखिएगा यहाँ रेक्टम का भी एक छोटा सा डायग्राम हम बना के देख लेते हैं।
देखिए, एनल ओपनिंग पर दो इन्स्पेक्टर पाए जाते हैं, एक होता है इंटरनल इंस्पेक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। इंटरनल इंस्पेक्टर जो होता है ये इनवॉलंटरी मसल का बना होता है या स्मूथ मसल्स का बना होता है? बट जो एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है ये स्केलेटल मसल का बना हुआ होता है। तो जैसे ही डेफिकेशन की फीलिंग आती है, जो फीकल मैटर होता है वो जैसे ही रेक्टम में स्टोर हो जाता है और फुलनेस की फीलिंग आती है, तो उस केस में इंटरनल इंस्पेक्टर ओपन हो जाता है। बट एक्सटर्नल इंस्पेक्टर की जो ओपनिंग या क्लोजर होता है वो हमारे विल पावर पर डिपेंड करता है। जब हमको डेफिकेशन करना होता है तभी ये ओपन होता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेक्टम। इन सर्टेन कंडीशन रेक्टल वेन कैन गेट डिस्टेंटेड आर इनलार्ज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ दियर वॉल ड्यूरिंग ऑफ हीमोरॉयड। तो हीमोरॉयड्स बोलते हैं या इसी को हम पाइल्स बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब बार बार कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है और स्टूल जो है ये हार्ड हो जाता है, स्टूल काफी हार्ड हो जाता है, तो उस केस में जब ये यहाँ से पास होता है तो वो रेक्टल वेन को रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से वहां से ब्लड रिलीज होने लगता है। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द हीमोरॉयड, या उसी को पाइल्स बोलते हैं। तो यहाँ तक आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही।